नमस्कार पेरेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट हाउ टू इंक्रीज सिटिंग टॉलरेंस। बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस, बैठने की क्षमता और अटेंशन हम कैसे बढ़ाएं, कैसे इम्प्रूव करें। ये एक मेजर कंप्लेन रहती है जब माएँ आती हैं कि बच्चा बैठता नहीं, राइट? तो पहली चीज़, बच्चा जब किसी भी डेवलपमेंटल डिले से जूझ रहा है, उसके लिए बैठ के एक नया स्किल सीखना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये बात समझिए कि दिस इज़ अ न्यू स्किल, बैठ पाना लंबे समय के लिए, एक नई चीज़ वो सीख रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। डोंट गेट इम्पेशेंट, ओके? और स्पेशली ऑटिज़म के बच्चों को बैठाना थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के ब्रेन ऐसा कंडीशनड है कि उसको कुछ भी ह्यूमन अच्छा नहीं लगता, ना माँ की आवाज़ अच्छी लग रही है, ना शक्ल अच्छी लग रही है, ना टच अच्छा लग रहा है। ऑटिज़म में दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, राइट? मशीन्स की आवाज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन माँ बाजू में खड़े होकर बुला रही है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना। तो इसलिए एक इंसान के साथ बैठ के सीखना उसके ब्रेन के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। सो बहुत जल्दी हो जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अपने जो गोल्स रखेंगे ना, वो रियलिस्टिक रखेंगे, छोटे गोल्स रखेंगे, और जो हम अचीव कर पाएँ ऐसे गोल्स रखेंगे, राइट? और हर दिन का गोल, 10 दिन का प्लानर एक साथ बना के नहीं बैठेंगे, अगले दिन का, आधे दिन का, अगले 3 घंटे में मैं क्या करूँगी, ऐसे गोल्स बनाएंगे। तो जब वो अचीव हो जाएंगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, और आपका जो कि बच्चा कर नहीं रहा, उससे जो माँ को एक चिंता आ जाती है, वो चिंता इतनी जल्दी नहीं आएगी, ठीक है? और अब हमको बच्चे को बैठाना है, तो पहले बच्चे को हम 5 मिनट बैठाएंगे कि मैं दिन में 3 बार अपने बच्चे को 5-5 मिनट के लिए बैठाऊंगी, ठीक है? दैट्स ओके, राइट? और कब बैठाएंगे? जब बच्चा खुद बहुत अच्छे मूड में है, बच्चा बहुत अच्छे मूड में है, हंस रहा है, कुछ खेल रहा है, अच्छा आई कॉन्टैक्ट दे रहा है, हंस रहा है, खुश है, तो सब काम छोड़िए और उसको अपना पूरा ध्यान के साथ, अटेंशन के साथ, बच्चे के साथ उस समय कोई एक या दो एक्टिविटी जो आपने डिसाइड की है वो तब बैठ के कराइए, अपने हिसाब से नहीं, इनिशियली बच्चे के हिसाब से। ऐसे ही होता है, इनिशियली बच्चे के हिसाब से करेंगे, जब एक रैपो डेवलप हो जाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट जागरूक हो जाएगा, तब हम उसको मोल्ड करना, अपने हिसाब से कराना शुरू करेंगे। तब तक हम बच्चे के हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है? क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे? जो बच्चे को पसंद है, ना कि जो हम करवाना चाहते हैं। नहीं, हमारे बच्चों को टेक्सचर्स अच्छे लगते हैं, पानी से खेलना अच्छा लगता है, मिट्टी से खेलना अच्छा लगता है, तो उसकी एक्टिविटी कराइए। बच्चे को कलर्स अच्छे लगते हैं, पेंटिंग अच्छी लगती है, वो आपकी एक्टिविटी। बुक रीडिंग, पिक्चर्स देखना अच्छा लगता है, फ्लैश कार्ड्स देखना अच्छा लगता है, उसके थ्रू एक्टिविटी कराएंगे, राइट? बच्चों को अल्फाबेट्स कुछ बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो उनका सारा जो इनिशियल सेशंस होंगे वो उसी चीज़ के थ्रू होंगे। जो हमारे बच्चे को अच्छा लगता है हम वो कराएंगे, और जब वो करना चाहता है तब कराएंगे, 5 मिनट के लिए कराएंगे, धीरे धीरे 7 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, राइट? और पेरेंट्स एक कन्विक्शन से करवाएंगे कि मैं अपने बच्चे पे जो भी काम कर रही हूँ उस 5 मिनट में, उस 10 मिनट में, वो मेरे बच्चे के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। जैसे जब माँ खाना बनाती है, एक थॉट से बनाती है कि जो मैं बना रही हूँ वो मेरा बच्चा जब खाएगा तो उसके लिए बहुत लाभ होगा, कल्याणकारी होगा, है ना? सेम कन्विक्शन से आप अपने बच्चे के साथ काम कीजिए कि चाहे मैं अपने बच्चे में वो 10 मिनट का इनपुट ही डालूं, लेकिन मेरे बच्चे पे उसका खूब लाभ होगा। दैट शुड बी द कन्विक्शन, राइट? कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है और मेरे बच्चे के लिए लाभदायक है।
चाहे दुनिया कुछ भी बोले, ठीक है। तो तीन चीज़ें, काम कब करवाना है, जब बच्चा करना चाहे, क्या करवाना है, जो बच्चा करना चाहे, और कैसे करवाना है, पूरे कन्विक्शन के साथ, ठीक है। फिर गोल्स हमारे छोटे, शॉर्ट गोल्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगले 3 घंटे का गोल है कि मैं उसको 5 मिनट या 10 मिनट की सो एंड सो एक्टिविटी कराऊंगी, ठीक है पेरेंट्स। तो ऐसे करवाना है, राइट। अब एक बार आपका रैपो डेवलप हो गया, बच्चे में इंटरेस्ट जागरूक हो गया, इसको 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी महीना भी लग जाता है, बट गिव इट अ ट्राई, डू इट दिस वे। बच्चे का इंटरेस्ट जागरूक हो गया, फिर आप धीरे 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 बढ़ाते जाइए। पर समझ लीजिए बच्चा नहीं कोऑपरेट कर रहा, नहीं करते बच्चे, मेरे पास भी आते हैं, नहीं करते, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, नहीं करते। अब क्या करें? तो यू नो, बच्चे से करवाना इज़ लाइक काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने के जैसा होता है। कभी ढील देनी है, कभी खींचना है, और कभी काटना है। ये माँ को पता होता है कि कहाँ मुझे ढील देनी है जब मैं बच्चे के हिसाब से कराऊँ, कहाँ मुझे थोड़ा खींचना है जब मैं अपने हिसाब से कराऊँ, और जहाँ मुझे काटना है जब बहुत हो जाता है, तब कभी कभी ज़बरदस्ती बच्चे के मन के खिलाफ जाके भी करवाना पड़ता है। आप बहुत, मैंने एक वीडियो डाला है काफ़ी टाइम पहले कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे कराएंगे, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे शेयर करूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। जब बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, बिल्कुल अनकोऑपरेटिव है, डिस्पाइट कि हम 10 दिन 15 दिन उसके साथ ट्राई कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, गद्दे पे बच्चे को बैठाएंगे, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, इट्स ओके। उसको अपने दोनों पैरों के बीच में फंसा के पैरों को पीछे से क्रॉस कर लेंगे और बैठ जाएंगे। कभी कभी आपको फादर की या किसी थर्ड पर्सन की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर बच्चा बड़ा है, शारीरिक रूप में बड़ा है, तो एक थर्ड पर्सन भी असिस्ट करेगा, और जो एक्टिविटी आप करवाना चाहते हैं वो फोर्सफुली उससे करवाएंगे। कैसे बैठाना है उसका मैं आपको एक लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। गद्दे पे बैठाएंगे ताकि अगर बच्चा हाथ मारे, पैर मारे, सर पटके, तो उसको चोट ना आए, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें कंट्रोल हो जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो इसमें भी कंट्रोल नहीं हम कर पाते, तब भी नहीं बैठते। 3-4 महीने हो गए, बच्चा रो ही रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, तो क्या करें। हाँ, एक चीज़ और, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे पे ब्लेम नहीं डालेंगे कभी भी, ये तो करता नहीं, क्योंकि कुछ तकलीफ है, समथिंग दैट चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट, वो हमें नहीं बता पा रहा कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है और हमें परेशान कर रहा है। बच्चे पे कभी ब्लेम नहीं डालेंगे, अपना अप्रोच ही बदलना है। ये मैं अपनी टीचर्स को भी बताती हूँ, मेरी जो थेरेपिस्ट हैं, बहुत, मैडम ये सैंड में हाथ ही नहीं डाल रहा है, रो रहा है, मैंने कहा सो वो तो रोएगा, आप किस लिए हैं, आप अपना अप्रोच चेंज कीजिए और करवाइए, प्यार से कराइए, फर्मली कराइए, थोड़ा सा ज़बरदस्ती कराना है कराइए, आप अपना अप्रोच चेंज कीजिए, मैं बच्चे को नहीं बोल सकती अप्रोच चेंज करने के लिए, राइट। सो अब बच्चा प्यार से नहीं मान रहा, ज़बरदस्ती से नहीं मान रहा, अब क्या करें, तो क्या करेंगे, मसाज करेंगे, जिस चीज़ से बच्चे को पसंद है, तेल से तो तेल से, ब्रश से, कपड़े से, दे लव मसाजेस। और जब यूजुअली मैंने देखा है, जब हम बच्चे को मसाज कराते हैं हफ्ता भर के बाद, उनका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा हो जाता है उस दौरान। उस दौरान जब बच्चा हमें अच्छा आई कॉन्टैक्ट दे रहा है, तो मसाज करते करते, कंप्रेशन देते देते उससे काम करवाएंगे। एक बच्चा है मेरे पास, 1 घंटा के लिए ही आता है, और जितने टाइम बैठता है पूरा टाइम या तो उसकी माँ या कोई एक बंदा उसके हाथ पांव दबाता रहता है, तब वो एक्टिविटी करता है। दिस इज़ जस्ट अ फेज, यू नो, बच्चे को आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी, नहीं होगी आदत, हो जाएगा कम।
वो सीख रहा है ना, इट्स ओके। तो बच्चे को मसाज कराते समय या उसको जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं उस समय, ये दो समय पे उससे काम करवा लीजिए, राइट। बहुत बैठा है बच्चा, उसके शोल्डर्स को प्रेस करते जाइए करते जाइए करते जाइए, चलो पैग लगाओ, कलर्स बता दो, शेप्स बता दो, एनिमल्स के नाम बता दो, करते हैं। तो जब आप बच्चे के साथ, एक मेरा ये भी एडवाइस है, जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं नया नया और बच्चा नहीं मान रहा, तो काम करने से जस्ट पहले उसको थोड़ा मसाज और डीप कंप्रेशन दे दीजिए, बच्चे काफ़ी कोऑपरेटिव और रिसेप्टिव हो जाते हैं। ये सब ये कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये सब इंडिजिनस तरीके हैं जो बच्चों के साथ काम कर कर के हर बच्चे से सीखा है हमने। तो वो मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ। बच्चा कोऑपरेटिव है, वेरी गुड। नहीं कोऑपरेटिव है, थोड़ा गिव एंड टेक। फिर भी कोऑपरेटिव नहीं है, पैरों में पी फंसा के बैठाएंगे। फिर भी कोऑपरेटिव नहीं है तो मसाज और कंप्रेशन देते समय एक्टिविटी कराएंगे। छोटे गोल्स रखेंगे, 5 मिनट, हाँ, दिन में 3 से 4 बार 5 मिनट के लिए हम बच्चे के साथ काम करेंगे, राइट पेरेंट्स। दिस इज़ हाउ सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा बच्चे का, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो और ये चीज़ छोड़ दीजिए कि नहीं करता नहीं करता नहीं करता, नहीं करेगा। दैट कन्विक्शन कि मैं कराऊंगी, मैं इसकी माँ हूँ, मैं कराऊंगी तो देर सवेर ही सही, मेरा बच्चा करेगा। थिंक पॉजिटिव, इट विल हैपन। You know, what we think is what happens, is how we act. So be positive in your approach. नहीं 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 नहीं, करेगा, और वो करेगा। हमारे साथ कर लेता है, थेरेपिस्ट के साथ कर लेता है, तो माँ तो माँ है ना, उसके साथ तो करेगा ही करेगा। Patiently, diligently, with conviction, हम करेंगे। So this is how sitting tolerance will come. Okay, parents? So do try this. It may take a little time, थोड़ा time लगेगा आपको बच्चे को बैठा के वो rapport develop करने में, but please start and start positively, right? There are those 3 E's, एक 3 E's ये मैंने recently पढ़े हैं। पहले exposure, 3 E's, एक होता है एक्सपोजर। तो अभी हम बच्चे को वो एक्सपोजर आप दे रही हैं, वो माँ दे रही है बच्चे को, ये एक्सपोजर देते देते यू विल गेन एक्सपीरियंस, राइट। एंड द थर्ड इज एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम द वर्स्ट, ओके। अपने बच्चे से नहीं करता नहीं करता नहीं, करेगा करेगा करेगा, मेरा बच्चा मेरे साथ करेगा। अभी नहीं, 2 दिन के बाद करेगा, 4 दिन के बाद करेगा, 1 महीने के बाद करेगा, बट करेगा। दैट शुड बी द कन्विक्शन, ओके पेरेंट्स। सो ट्राई इट एंड डू इट, राइट, डोंट वेट, शुरू हो जाओ, लग जाओ। एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर द वीडियो, like the video and let the shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu. Namaskar.